अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है वो ड्रेस डिज़ाइन की वीडियो है और इसमें मैं आपको अपने ड्रेस के डिज़ाइन दिखाऊंगी। ये ड्रेस नंबर 1 है, इसमें चूड़ीदार पजामा है, ये आप देख सकते हैं। और ये फ्रॉक स्टाइल है, फुल लेंथ फ्रॉक है। ये एम्ब्रॉयडरी है, इसमें ये पाइपिंग का गला बना हुआ है, बटन लगे हुए हैं। और ये फ्रंट पे जो है वो पैनल्स पे प्लेटें डली हुई हैं, इससे घेर बन रहा है फ्रॉक का। और ये फ्रंट और बैक दोनों साइड पे हैं, ये देख सकते हैं आप। ये स्लीव्स है, स्लीव में चौड़ी पाइपिंग पट्टी लगी हुई है और बेल है। ये दुपट्टा है, दुपट्टे में ये मिक्स दुपट्टा है, लॉन का दुपट्टा नहीं है, तो इसके चारों तरफ ये मैंने पट्टी दी है। और बेल है ये, तो इससे दुपट्टा भारी हो जाता है, थोड़ा हैवी हो जाता है, तो इजी टू कैरी रहता है ये, और थोड़ा हैवी हो जाता है तो। और ये चूड़ीदार पजामा और फ्रॉक स्टाइल है ये सूट, जो आप देख सकते हैं। और इसके भी दामन में मैंने चौड़ी पट्टी लगाई है, इससे ये होता है। और बेल है, भारी रहती है फ्रॉक, हवा वगैरह चल रही है तो उड़ती नहीं है, थोड़ा वेट इसमें आ जाता है लगने से, तो ये अच्छा रहता ज़रा। तो ये है ड्रेस नंबर 1। सेकंड ड्रेस जो है वो ये ब्लैक और वाइट सा प्रिंट है, प्लेन प्रिंटेड इसका दुपट्टा है, थोड़ा सा इसमें कलर है। शलवार है घेर वाली, प्लेन ऊंची शर्ट है, और ये बोट नेक बनी हुई है, पाइपिंग लगी हुई है। स्लीव्स में जो है वो दुपट्टे में जो कलर आ रहा है उसके कंट्रास्ट में पाइपिंग लगी और बेल लगी हुई है, बिल्कुल ऐसे ही दामन में और बेल लगी है, पाइपिंग लगी है, चाक पे भी ऐसे ही लगी हुई है। और ये प्रिंटेड इसका कलरफुल दुपट्टा है थोड़ा सा, तो इसमें जो कलर आ रहे हैं, ग्रीन कलर जो था उसकी मैंने पट्टी शर्ट में लगवाई थी, और इसमें एक और कलर भी आ रहा है इसी दुपट्टे में, मस्टर्ड कलर, वो आप देख सकते हैं अभी। उसकी मैंने पट्टी जो थी पाइपिंग पट्टी, वो मैंने दुपट्टे में लगवाई है, देखें आप। तो इससे ये देखें आप, तो दुपट्टा भी थोड़ा सा कलरफुल हो गया, और इससे शिफॉन का दुपट्टा है तो ये थोड़ा सा हैवी हो जाता है, अच्छा रहता है ये। और इसके बैक साइड पे ये स्लिट वाला बटन वाला डिज़ाइन है, ये आप देख सकते हैं ये बना हुआ है। तो ये ऊंची शर्ट और घेर वाली शलवार है। थर्ड ड्रेस जो है वो ये है, वन पीस है ये, और ये पिंटेक्स और बेल का डिज़ाइन है, ये देख रहे हैं आप। कॉर्नर पे ये बेल लगी हुई है इसके, ये पिंटेक्स का डिज़ाइन है, ये ज्वाइनिंग बेल है, और ऐसे ही पिंटेक्स डली हुई है, फिर ज्वाइनिंग बेल है। शलवार है ये स्ट्रेट, शर्ट का दामन है, इसमें पट्टी लगी हुई है पाइपिंग की, और ये किनारे पे बेल है, ये पिंटेक्स डली हुई है, ये ज्वाइनिंग बेल है, फिर पिंटेक्स है, फिर ये ज्वाइनिंग बेल है। और नेक जो है वो इसकी कॉलर वाली है, और स्लीव में भी ये डिज़ाइन है, पिंटेक्स हैं, और ये ज्वाइनिंग बेल है, सेम डिज़ाइन है जो शलवार में है। तो ये शलवार और शर्ट का एक सूट है। थर्ड जो है वो ये है, शलवार कमीज है, ये प्लेन शलवार है इसकी, बिल्कुल इस पर कोई डिज़ाइन नहीं है, बिल्कुल प्लेन है ये। और ये जो है वो इसका डिज़ाइन बना हुआ है, ये ट्राइंगल शेप में ये कपड़ा लगा हुआ है कंट्रास्ट में, इस पर ये देख रहे हैं आप, ये पूरा डिज़ाइन बना हुआ है, गले से लेके नीचे आ रहा है पूरा यहाँ तक शर्ट में। और ऐसे ही स्लीव्स में भी डिज़ाइन है, ये ज्वाइनिंग बेल है, मैंने दी हुई पिंटेक्स चली हुई है, और ये ऐसे ही ट्राइंगल लगे हुए हैं, और ऐसे ही बिल्कुल चाक में भी पट्टी लगी हुई है, बेल लगी हुई है, चाक दामन दोनों में बिल्कुल यही डिज़ाइन है। तो एक ड्रेस ये है, उसके बाद नेक्स्ट ये है पिंक कलर का ड्रेस, ये भी स्ट्रेट शलवार है, इसमें भी बिल्कुल कुछ इसी तरह का डिज़ाइन है,
के ये बेल है, ज्वाइनिंग बेल और पेंटेक्स डली हुई है, डिफरेंट है, तीनों बेल्स डिफरेंट हैं। कॉर्नर किनारों के लिए अलग है, ज्वाइनिंग बेल अलग है और ऊपर वाली बेल अलग है। और स्ट्रेट ये शलवार है बिल्कुल, और इसकी जो शर्ट है वो है थोड़ी डिफरेंट है, ये इसमें भी लगी हुई है पाइपिन और ये बिल्कुल बारीक वाला गोटा लगा हुआ है, ये बॉर्डर लगा हुआ है, ये कॉलर बना हुआ है, ये पर्ल्स वाला डिज़ाइन बना हुआ है और ये इसके साइड पे जो है वो पूरा पाइपिन पट्टी चल रही है और ये गोटा चल रहा है दोनों तरफ आगे पीछे, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए बहुत ही बारीक गोटा है तो बहुत खूबसूरत लगता है ये। और ये इस तरह से आगे पीछे दोनों तरफ लगा हुआ हुआ है और इसका दुपट्टा भी शिफॉन का है, तो ये मैंने इसमें भी चारों तरफ पट्टी लगवाई है, इससे थोड़ा दुपट्टा मैं आपको बताया हैवी हो जाता है तो अच्छा रहता है। तो एक ये डिज़ाइन है, तो ये गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।